स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हूं। हम नहीं चाहते हैं कि, मुझे पता है कि आप लोग फ्रंट लाइन वॉरियर हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन ये काम क्या वाकई उतना अच्छा है जिसकी तारीफ की जाए? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे एक सहयोगी आज, उसने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक बस जो आपने ऑर्डर निकाला है 50% कैपेसिटी के साथ प्लाई करेंगी, प्राइवेट व्हीकल जो भी रहेगी, वो 50% ओवरलोडिंग थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बस। अब जनाब उस ड्राइवर को सस्पेंड मत कर देना, उनमें बैठे लोगों का कसूर नहीं है, कसूर मैनेजमेंट का है जिन्होंने उनको बस ही नहीं दी। लेकिन मेरी कहानी ये नहीं है। वो दिखे आपकी ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ती हुई देखी हमने, लेकिन मेरी कहानी ये नहीं है। मेरी कहानी ये है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक माँ है जिसकी दो बेटियाँ हैं, मुश्किल से गुजर करती है, भगवान को भी उस पर रहम नहीं आया, कोविड पॉजिटिव हो गई, सुपर स्पेशलिटी के अंदर है इस वक्त। ये कॉल सुबह मुझे कोई शायद 10-11 बजे आई थी। उन्होंने कहा कि हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं ये लोग, ये हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें? मैंने कहा सब्र करो, कोई बात नहीं, शायद थोड़ी शॉर्टेज होगी, मिल जाएगी। दोपहर को 2 बजे फिर कॉल आया। वो क्या कॉल था आप सुन लीजिए। उस बेटी ने अपनी माँ की जिंदगी के लिए कहा कि मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया जो उसने मुझे फोन पे बात की, वो सुन लीजिए आप। मेरे पापा भी नहीं, उनकी भी डेथ हो गई है, मम्मी अकेली, बस भाई भी नहीं कोई हमारा। नहीं, आप यहाँ कब आए थे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में? तीन दिन हो गए, आज चौथा दिन है। डॉक्टर आज क्या बोल रहे हैं आपको? आप पहले वार्ड में रखा था, फिर आईसीयू में ले गए, अब आज बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है इतना, तो आप अपना, आप जीएमसी में जाओ और इनको शिफ्ट कर दो जीएमसी में। हाँ जी, ये बोल रहे हैं। तो अब आपने क्या फैसला किया, क्या करोगे? वो भी जीएमसी में भी कुछ नहीं हो रहा, उधर भी कोई नहीं देख रहा। इनका ऑक्सीजन लेवल कितना है अभी? अभी तो 60 या 65, लेकिन 38 तक चला गया था। तो अभी इनको ऑक्सीजन लगी हुई है? अभी लगी हुई है। हाँ जी, तो सिलेंडर एक कोई दे के गया, हमारे साथ में पड़ोसी है, उन्होंने किया थोड़ा सा, तो अभी वो सिलेंडर लगाया नहीं है, पर रख लिया पास में। ठीक है। ये सिलेंडर आपने अपना लाया, पड़ोसी ने दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी, अपना लेके आए हम। तो अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं लगा रहे अपने से? वो लगा रही है, लेकिन कह रहे कम है, हमारे पास इतना नहीं है। सुबह वो बोल के गई है, कह रहे अपना करो, हमारे पास कम है ऑक्सीजन। ये कौन डॉक्टर बोल के गया आपको, उसका नाम पता कोई? नहीं, मेरी सिस्टर वहाँ पर है, वहाँ आपको उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे बात कर लो, मैं घर पे हूँ। ठीक है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। कहा डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप सुबह कह के गए हैं कि आप अपनी ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर लो, हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है। और उस बेटी ने जो मुझे बताया, उसने कहा कि कभी मेरी माँ को ऑक्सीजन लगाते हैं, कभी निकाल देते हैं, दूसरे पेशेंट को लगाते हैं। आप लोग कहते हो हमारे पास ऑक्सीजन का भंडार है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आपने जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं उन पर शिकंजा कस दिया। जनाब की प्रायोरिटी जो है वो पब्लिक है इस वक्त जो, क्योंकि बत्रा में हमने देखा थोड़ी देर पहले, बत्रा के डायरेक्टर और वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 सिलेंडर एट ए टाइम लगते हैं, स्लॉट में 7 लग रहे थे, शॉर्टेज थी। हमारा जो रिजर्व बैंक था जिसमें हम रखते हैं ये सिलेंडर, जो बैंक रहता है हमारा, कभी शॉर्टेज पे यूज़ करते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। 4 मृत्यु वहाँ पे हो गई, लेकिन वो बात की बात है कि बाद में उनको कहा गया ठीक है जी, ऑक्सीजन कमी नहीं थी। लेकिन ये जो कह रही है ये एक बेटी अपनी मां के लिए चिंतित कह रही है, और फिर ऐसा हुआ, उस बेटी ने किसी को फ़ोन किया जिसको वो जानती होगी, अपने मोहल्ले वालों को, कुछ ऐसे लोगों को, कि मेरी माँ मर जाएगी, मुझे ऑक्सीजन कहीं से प्रोवाइड करवा दो। बाहर से कुछ लोगों ने ऑक्सीजन का सिलेंडर परचेज किया, वो सिलेंडर अभी अंदर गया हुआ है, वो सिलेंडर लगाया है, और ये सिलेंडर भी दोपहर का वहाँ पे है, दोपहर तक किसी ने लगाया नहीं था, अभी आधा घंटा पहले उसने कॉल आया कि हाँ अब अभी उन्होंने सिलेंडर जो है लगा दिया है। लेकिन सिलेंडर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी,
आप कहते हो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है अपना सिलेंडर खुद लेके आ रहा है। ये वो लोग हैं जिनको उस बेटी ने फोन किया और इन्होंने सिलेंडर परचेज किया और अंदर सिलेंडर पहुंचाया है अभी। आपका नाम क्या है सर? जी जसवीर सिंह। जसवीर जी, क्या कॉल आपको आई थी और क्या किया आपने? जी हमें कॉल आई सुबह की अर्ली मॉर्निंग 4 बजे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, और उनको पेशेंट को कहा गया कि हमें आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करें, अपना लेके आओ। जी हाँ, तो सुबह 9:30 बजे का हमने इनको सिलेंडर ला के दिया हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने वो सिलेंडर यूज नहीं कर रहे थे। ये जब अभी हमने इनको थोड़ी 10-15 मिनट पहले हमने इनको कहा अगर आपने सिलेंडर नहीं यूज करना हम अभी मीडिया वाले को बुलाएंगे, जब हमने इनको ये बात बोली उसके बाद उन्होंने सिलेंडर को यूज करना स्टार्ट किया। अब उस पेशेंट को सिलेंडर से ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। कितना उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, कितना था सुबह? दिन को उनका ऑक्सीजन लेवल 40 था। 40? जी। ये तो बहुत कम है। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बावजूद भी ऑक्सीजन क्यों नहीं किया, ऑक्सीजन है ही नहीं है? ये क्या करते हैं, जैसे पेशेंट्स बैठे हो कभी 10 मिनट इसको दिया, टाइम पार्ट टाइम बाय टाइम हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल दे रहे हैं, ऑक्सीजन डिवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 10 मिनट इसको दिया जो जिंदा रह सके, फिर 10 मिनट उसको दिया वो जिंदा रह सके। जी बिल्कुल। इस तरह से काम? जी बिल्कुल, ऐसे कर रहे हैं ये। आप इनके क्या लगते हो? जी हम इनके मोहल्लेदार हैं। अच्छा, फिर आपने सिलेंडर परचेज किया? जी बिल्कुल। अब आपने जो सिलेंडर परचेज किया वही अंदर चल रहा है? वही सिलेंडर यूज कर रहे हैं ये। वही सिलेंडर यूज? जी बिल्कुल। लेकिन ये तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी ना तो हमें किस लिए कहते हैं, हमारे जो पेशेंट को किस लिए कहते हैं कि हमें सिलेंडर ला के दो आप? इन्होंने सुबह हमें अर्ली 4 बजे इन्होंने पेशेंट को कहा कि हमें आप सिलेंडर ला के दीजिए, हम आपको उसी सिलेंडर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे आपको। ये पूरा नंबर है, ये सब लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, शायद इनकी वजह से किसी की जान बच जाए। लेकिन अब सवाल ये है, आप कहते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है नहीं, ऑक्सीजन की कमी हमारे पास। फिर उन्होंने, मैंने उस दूसरी बेटी से भी बात की, जो दूसरी बेटी थी मैंने उससे भी बात की, शायद मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना पाऊँ। उसने जो मुझे कहा, उसने, अब मैं क्या आपसे क्या डिस्कस करूँ, क्या बातें उन्होंने मुझसे कही। उन्होंने कहा माँ मर जाएगी अगर थोड़ी देर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ये दो, ये सुन लीजिए, जब मुझे दूसरी बेटी, उसने अपनी दूसरी बहन का नंबर दिया, आप इससे बात कर लो। उससे मैंने क्या बात की? हेलो, आपकी बहन ने नंबर दिया है मुझे, आपकी माता यहाँ एडमिट है सुपर स्पेशलिटी में। यस मैम। यस सर। आपको ऑक्सीजन मिल रही है वहाँ पे? ऑक्सीजन नहीं थी, हमने तो सिलेंडर ही इनको सपोर्ट किया और ये सर के दिए, ये तो सिलेंडर ही नहीं लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम पता नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमने इनको सिलेंडर भी अरेंज करके दिया तो ये सिलेंडर भी नहीं लगवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो पता नहीं कौन सा बाउट ही, उसको बोलो ये हमें नहीं पता। मैं क्या बताओ हमें कौन है, वो पता नहीं, हमें खुद नहीं पता, कहते हमें को, हमें कहते हमें खुद नहीं पता कौन है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन जा रही है, अब तो बिल्कुल 46-45 जा रही है। नहीं, इनके पास अपनी ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल के पास? मतलब ऑक्सीजन तो लगी हुई है, तो वो इतनी ना कर रहे हैं ये। हाँ, तो सुबह बोला तो कहते हैं कि वो करो, अगर आपको कोई है जीएमसी में तो उधर शिफ्ट कर दो। हाँ, अगर बेटर उधर होते हैं तो। मैडम, मेरा सवाल ये है कि इनके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कह रहे हैं कि अपना सिलेंडर लेके आओ, आप नहीं लगा रहे हैं? नहीं लगाई तो हुई है, पर वो इतना नहीं है ना, इतनी नहीं है इनके पास, मतलब अपने यहाँ दे रहे हैं ऑक्सीजन पर इतनी नहीं है। ये कहा गया वो सर्वाइवल है, सर्वाइवल है कि कभी एक पेशेंट को लगा दी, कभी दूसरे पेशेंट को लगा दी। और ये भी कहा गया कि आप अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आइए। इन लोगों ने सिलेंडर परचेज किया, वो सिलेंडर अंदर दे दिया है सुबह का, अभी शाम को जाकर वो सिलेंडर उसको लगाया गया है। फिर आप कैसे कहते हो कि आपके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पता नहीं कैसे कहते हो आप। और ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि कोरोना की जो पहली लहर आई थी आपने उससे कुछ नहीं सीखा, आपने आंखें मीच ली, जैसे ऊंट पर बैठा हुआ आदमी ये समझता है कि मुझे कभी कुत्ता काट नहीं सकता, मैं बड़ी ऊंचाई पे बैठा हूं, मुझे कुत्ता यहां काट नहीं सकता। आपने, आप ऊंट पे बैठे हुए हो। जब कोरोना की पहली वेव आई उसके बाद आपने इस तरह के जो बेड्स रहते हैं, जो इस तरह की जो चीजें रहती हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स रहते हैं या इस तरह के जो चीजें रहती हैं, उस पर काम किया ही नहीं आपने। क्या काम किया वो बताता हूं। काम मैंने देखा थोड़ी देर पहले, कल परसों मैंने, जो एक एक ही पार्टी के सियासी लीडर ने दूसरे पे आरोप लगाए,
वो काम आपने ज़रूर किए, लेकिन ऐसे काम यहाँ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट रहता है, यहाँ लोगों की सेवा करनी होती है, वो काम आपने नहीं किए। आज मेरा एक सहयोगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट कर रहा था, वहीं का मुलाजम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मुलाजम, वहाँ का ड्राइवर, उसकी बेटी मर गई आज। वो कहता है रात को मैं डॉक्टर को उठाने गया, डॉक्टर सो रहा था, मेरी बेटी मर गई। मेरे सहयोगी ने पूछा लापरवाही थी? कहता हाँ लापरवाही थी, मैं मुलाजिम हूं यहाँ का, मैं कहता हूँ लापरवाही है यहाँ पे। उसने पूछा जो लोग कहते हैं वो सच है? उसने कहा 100% सच कहते हैं, जिस पर बीती है वही जानता है, जिस तन लागे वो तन जाने। आपको ये कह देना कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो ये लोग जो यहाँ पे आए हैं परचेज किए ऑक्सीजन आपके अंदर, इस सरकारी इदारे के अंदर खरीद कर ऑक्सीजन दे रहे हैं, या भी इसको प्राइवेट कर दीजिए, बेच दीजिए इसको भी किसी को, ठेके पे दे दीजिए किसी प्राइवेट एजेंसी को, वो काम कर लेगा अच्छे से। लोग मर रहे हैं जनाब, लोग मर रहे हैं, परिवार वाले अपनों को खो रहे हैं। अगर वो मर रहे हो ना, इलाज मिल रहा है फिर भी मर रहे हैं, तो समझ आता है भगवान की इच्छा है, मर रहे हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन के बिना, डॉक्टर के बिना, इलाज के बिना मर जाएं, फिर ये कहने में भी संकोच होता है कि हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, ये कहने के लिए संकोच होता है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। जब कंट्रोल करना था तब आपने किया नहीं, तब आपने हर जगह लोग इकट्ठे किए अपने निजी फायदे के लिए, हर जगह लोग इकट्ठे किए। अब आपसे संभाला नहीं जा रहा, नहीं संभल रहा आपसे, और फिर आप ये भी दावा करते हो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर नहीं है तो ये सिलेंडर आज अंदर क्यों गया? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।